खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां पर त्यौहार से पहले महंगाई को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल साबरी के नेतृत्व में विधानसभा की तरफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे। कांग्रेसियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। महंगाई को लेकर एमके न्यूज ने दोनों नेताओं से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी। सर, जिस तरीके से बढ़ती महंगाई को लेकर आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा की ओर भी आप लोग जा रहे हैं? जी हाँ, ये जो रसोई गैस के कीमतें बढ़ाई गई हैं उसके विरोध में, और ये त्यौहार हमारा आ रहा है होली का, उसके पहले ये तोहफा दिया गया है, जबकि उन्होंने वादा किया था कि हम फ्री में गैस सिलेंडर देंगे त्यौहार में, तो ये धोखा है। इसलिए हम सदन से लेकर सड़क तक इसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेसी। और जब जब महंगाई बढ़े, बेरोजगारी हो, महिलाओं की समस्याएं हो, किसानों की हो, युवाओं की हो, हमने विरोध किया है, प्रदर्शन किया है, और हम करेंगे, पुलिस रोके या कोई रोके। सिद्दीकी ने कहा कि लगातार जिस तरीके से बढ़ती महंगाई के मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, होली के त्योहारों से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम जो रसोई गैस है उनके दामों में इजाफा हुआ है, तो साफ तौर पर ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से बजट सत्र में तमाम दावे कर रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पर स्थिति ऐसे ही है। लखनऊ से एमके के लिए अविनाश। उत्तर प्रदेश सरकार बढ़ती महंगाई को लेकर आज सड़कों पर आंदोलन कर रही है, हालांकि वो विधानसभा की तरफ जा रही थी लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, उन्हें रोका गया। आज आप लोग बढ़ती महंगाई को लेकर मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, विधानसभा की तरफ जा रहे हैं तो पुलिस ने बैरिकेड करके रोका। पुलिस तो जब भी हम किन्हीं जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को ये आगाह कराते हैं कि आपकी जो नीति है जनता के विरोध में, तब तब वो पुलिस को आगे लगा करके हमें रोकने का काम करती है। आज जिस तरीके से 6 दिन बाद 4 दिन बाद होली का त्यौहार है और त्यौहार के मौके पर जो तोहफा दिया है सरकार ने, 50 रुपये गैस सिलेंडर घरेलू पर, 350 कॉमर्शियल पर और 23% बिजली बढ़ाकर, बिजली का दर बढ़ा करके जो तोहफा दिया है, उस तोहफे को ये उत्तर प्रदेशवासी लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं, ये तोहफा उनका वापस कर दो। ये तोहफा हमें मालूम है क्यों दिया गया है, ये होली के पहले, क्योंकि उनके जो दो लोग हैं वो डूब रहे हैं। सब तो साफ तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी का साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और लगातार चाहे महंगाई हो चाहे कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश कांग्रेस जो है सड़कों पर सरकार को सताने का काम कर रही है। इसका नतीजा है कि आज भारी संख्या में यहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सड़कों पर आंदोलित हैं। लखनऊ से एमके न्यूज़ के लिए अविनाश।